टेस्टी एंड हेल्दी चिकन सैलड विद एक्सोटिक वेजिटेबल्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं तनुज 5-4-1 एक नए रेसिपी के साथ। वैसे तो आपने चिकन सैलड देखा ही होगा, लेकिन ये चिकन सैलड थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैंने दिया है थोड़ा सा चाइनीज ट्विस्ट। ये जितना टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें है ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन्स। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बोनलेस चिकन 200 ग्राम्स, जिसे मैंने अच्छे से क्लीन किया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। क्यूब शेप में कटा एक प्याज, थोड़े से ब्रोकोली, हाफ बाउल कॉर्न, 6-7 मशरूम आधे आधे कटे हुए, 4-5 हरी मिर्चियाँ कटी हुई, लहसुन और अदरक भी चॉप किए हुए, 6-7 लहसुन लिया है मैंने और 1 इंच का अदरक, धनिया पत्ता, रेड एंड येलो बेल पेपर और 8-10 बेबी कॉर्न, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, विनीगर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करेंगे आप, थोड़ा सा सॉल्ट डालें, विनीगर डालें और इसे मैरिनेट कर लें और इसे 15 मिनट के लिए रख दें। इस तरीके का एक पैन लेंगे, उसमें पानी डालें, गैस जला लेंगे। आप पानी को थोड़ा गर्म होने दीजिए। पानी गर्म होते ही हम उसमें ब्रोकोली और कॉर्न के दाने को डाल देंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका रॉनेस चले जाए इतने देर तक हमें ढक कर इसे पकाना है, 2-3 मिनट तक। ढक दिया हमने, ये देखिए ये हो चुका है। इसे ज़्यादा बिल्कुल ना पकाए, बस इसका रॉनेस चले जाए इतना ही पकाए। अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसे हमने चेक करना है पहले। ये देखिए ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब एक पैन ले, गैस जला ले, पैन को गर्म होते ही उसमें ऑयल डाले। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला है ऑलिव ऑयल, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें, गैस को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ाया तेल को गरम करने के लिए, अब मैंने सिम कर दिया। चलिए अब ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें चिकन के पीसेस को सावधानी से डाल देते हैं। इसे फ्राई करें अच्छे से। फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें अदरक और लहसुन चॉप किए हुए जो मैंने रखे थे वो मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छे से फ्राई कर ले। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे, प्याज को हमें 2 मिनट तक पकाना है। अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें मशरूम भी डाल देते हैं, मशरूम को हमें 1 मिनट तक पकाना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पे रखेंगे, इसे लगातार चलाते रहें। अब हम ब्रोकोली, कॉर्न के दाने और बेबी कॉर्न को भी डाल देंगे। बेबी कॉर्न को हमने कुकर में 1 सीटी तक पका लिया था, 1 सीटी आने तक हमने इसे पका लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करें। ये सैलड जो है ये हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी और खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ये सैलेड बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को तो पसंद आता ही है। चलिए अब हम इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक भी डालते हैं। याद रहे नमक हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला था और सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। इसे अच्छे से मिला दें और गैस की फ्लेम को इस समय सिम पर रखें इसे मिक्स करने तक। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन की जगह पनीर यूज़ कीजिए सेम प्रोसेस से। चलिए अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स मैंने 1/2 चम्मच डाला है, आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। हम इसमें सोया सॉस डालते हैं,
तीन चम्मच डाला मैंने, देखिए। अब मैंने इसमें एक चम्मच रेड चिली सॉस भी डाल दिया है, ये देखिए डाल दिया मैंने। टमेटो सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे तीन चम्मच डाला है। इसे अच्छे से मिला दें, अच्छे से मिक्स करें इसे, ये देखिए ऐसे। चलिए अब हम इसमें विनीगर भी डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये कितना टेस्टी दिख रहा है अभी से, देखिए। इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये हो चुका है। मिक्स कर लें अच्छे से। अब हम इसमें बेल पेपर जो हमने काट के रखे थे रेड और येलो वाले, वो भी डाल देते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाना है। थोड़ा सा धनिया भी छिड़क देते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। 2 मिनट के लिए ढक दिया था हमने, ये देखिए खोल लिया। अब हमने गैस बंद किया और ये रेडी हमारा टेस्टी और हेल्दी सा चिकन सैलेड। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। एक प्लेट में मैंने लेट्टी यूज़ रखा है और उसके ऊपर गर्मा गर्म यमी सा डिलीशियस सा चिकन सैलेड, सुपर इजी और सुपर टेस्टी, ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।